दोस्तों आज की डेट में पेट्रोल और डीजल के रेट में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही 100 रुपये लीटर के आसपास मिलते हैं। पर अब आ गया है फ्लेक्स फ्यूल जो पेट्रोल से 40% सस्ता है। तो चलिए जानते हैं फ्लेक्स फ्यूल के बारे में, जिसके बारे में सब जगह चर्चाएं हो रही है। इस फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल सिर्फ विज्ञान नहीं है बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को और न सिर्फ भारत को पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, आम जनता को इससे क्या फायदा या नुकसान होगा और सरकार को क्या फायदा होगा इससे, फ्लेक्स फ्यूल बनता कैसे है, ये पेट्रोल से कितना सस्ता होगा, और अगर आप भी फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, वैसे ही फ्लेक्स फ्यूल के भी फायदे और कुछ नुकसान है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है। जब पेट्रोल को एथेनॉल या मेथनॉल के साथ मिलाया जाता है तो इन दोनों के मिश्रण को फ्लेक्स फ्यूल या फ्लेक्सिबल फ्यूल बोलते हैं, और इसी फ्यूल मिक्सिंग करने को ही एथेनॉल ब्लेंडिंग भी कहा जाता है। इसे E20 के नाम से जाना जाता है। इसे मतलब है एथेनॉल और 20 से मतलब है 20%। इसे बायोफ्यूल या जैविक ईंधन भी कहते हैं। आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि फ्लेक्स फ्यूल बनता कैसे है और जिस एथेनॉल से ये बनता है वो एथेनॉल क्या होता है और कैसे ये पेट्रोल में 20% मिलाने से इंडिया को $1 बिलियन का फायदा होने वाला है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है गाड़ियों के प्रोडक्शन में। साल 2022 में ही अराउंड 22.9 मिलियन गाड़ियों का प्रोडक्शन हुआ था और इंडिया ने 5.6 मिलियन गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया था। इंडिया में 1.8 मिलियन रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, तो बाकी हुई गाड़ियां टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर सब पेट्रोल और डीजल पर ही चलती हैं। अब इतनी सारी गाड़ियां भारत में चलती हैं तो इनको चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल भी चाहिए। अब भारत में तो तेल के कुएं है नहीं, इसीलिए भारत अपनी जरूरत का 80% क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। क्रूड ऑयल खरीदने के लिए भारत ने सिर्फ 2022 में ही 12 ट्रिलियन रुपए खर्च किए थे, क्योंकि जैसे गाड़ियां बनाने के मामले में भारत दुनिया के तीसरे नंबर पर है, उसी तरह ऑयल कंज्यूम करने के मामले में भी इंडिया तीसरे नंबर पर है। एक तो इतना पैसा हम लोग बाहर के देशों को दे रहे हैं, ऊपर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से होने वाले पोल्यूशन को भी झेलते हैं। इसलिए भारत सरकार का फ्लेक्स फ्यूल पर प्राइम फोकस है और इसीलिए सब जगह इसकी चर्चा भी हो रही है, ताकि हम धीरे धीरे ही सही पर दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर दें। वैसे आज के टाइम पर भी हम E10 का यूज करते हैं, मतलब 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल का। और अब भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 से 30 तक इंडिया E20 पर शिफ्ट हो जाए। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ही हमने क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए 12 ट्रिलियन रुपए खर्च किए थे, लेकिन अगर हम E20 का यूज करने लगे तो 12 ट्रिलियन का 20% पैसा बचा लेंगे, जो होगा करीब 2.4 ट्रिलियन रुपए। इतना सारा पैसा भी बचेगा और पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। इसके सक्सेसफुल होने के बाद हम धीरे धीरे 20 से 30% और फिर 40% से और भी आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे ये पेट्रोल और डीजल पूरी तरह यूज करना बंद कर देंगे। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2070 तक हम इंडिया को नेट जीरो एमिशन देश बना देंगे। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। फ्लेक्स फ्यूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे गाड़ियां चलाने के लिए गाड़ियों में कोई अलग से किट नहीं लगवानी पड़ती, जैसे CNG के लिए लगवानी होती है, क्योंकि अब गाड़ियों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन आने लगे हैं, जिसे आप सेम फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाल सकते हो या फिर फ्लेक्स फ्यूल भी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अक्टूबर 2022 में इंडिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ी भी लॉन्च हो गई है। अब बात करते हैं एथेनॉल क्या होता है और ये एथेनॉल बनता कैसे है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल ही होता है, जो दारू लोग पीते हैं उसमें भी इसे मिलाया जाता है, और सैनिटाइजर में भी जिस 70% अल्कोहल की हम बात करते हैं वो एथेनॉल ही होता है। एथेनॉल को गन्ना, मक्का जिसे इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं, चावल, गेहूं से बनाया जा सकता है। साथ ही इसे पराली से भी बनाया जा सकता है, वही पराली जिसकी न्यूज आप लोग सुनते ही रहते होंगे कि पराली जलाने से दिल्ली NCR में पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो अब ये पराली जलाने की समस्या भी खत्म होगी और पॉल्यूशन में भी कमी आएगी, साथ ही किसान की इनकम भी बढ़ेगी। सरकार ने एक पॉलिसी शुरू की थी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। अभी हाल ही में 900 करोड़ की लागत से हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल का 2G एथेनॉल प्लांट शुरू हो गया है। ये प्लांट इतना बड़ा है कि इसमें 3 करोड़ लीटर एथेनॉल हर साल बनाया जाएगा। वैसे आज की डेट में इंडिया की एथेनॉल प्रोडक्शन की कैपेसिटी है 1000 करोड़ लीटर और 2023 के एंड तक ये 1250 करोड़ लीटर तक पहुंच जाएगी। अगर फ्लेक्स फ्यूल की कीमत की बात करें तो ये 60 रुपए से 62 रुपए लीटर मिलता है, मतलब कि पेट्रोल से 35 से 40 रुपए सस्ता। फ्लेक्स फ्यूल के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसा कि आप लोग अब जानते ही हैं, एथेनॉल बनाने के लिए गेहूं, गन्ना, चावल की जरूरत पड़ती है। तो अगर मास प्रोडक्शन होगा एथेनॉल का तो चीनी का भी रेट बढ़ेगा, क्योंकि चीनी तो गन्ने से ही बनती है, और गेहूं का भी रेट बढ़ेगा। लेकिन शायद इसी को देखते हुए भारत सरकार ने गेहूं और चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है। वैसे अभी भारत के पास पर्याप्त मात्रा में ये सब चीजें उपलब्ध हैं। गाड़ियों की कम हो जाएगी एवरेज। एक्सपर्ट तो बताते हैं कि गाड़ियों की माइलेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कुछ लोगों का कहना है कि माइलेज 6 से 7% तक कम हो जाती है फ्लेक्स फ्यूल यूज करने से, और ये बात मे भी सरकार को भी पता होगी या फिर अभी शुरुआत है फ्लेक्स फ्यूल की, इसीलिए इस पर GST 18% से 5% कर दिया गया था साल 2021
2021 में। फ्लेक्स फ्यूल के बारे में एक बात और सुनने को मिलती है कि ये डस्ट जल्दी पकड़ता है, जिसकी वजह से गाड़ी के इंजन में डस्ट ज्यादा जाता है, जिससे इंजन जल्दी खराब होने का खतरा बना रहता है। इसी वजह से टाइम पर सर्विसिंग बहुत जरूरी हो जाती है गाड़ी की, और इस वजह से मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।